नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत 3.0 को लेकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व भर से आ रही हैं बधाइयां। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत जिस तरीके से हुई है और फिर एक बार देश में बनने जा रही है एनडीए की सरकार, इसी पर जॉर्जिया मेलोनी से लेकर मोइजू तक तमाम नेताओं ने दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में वैश्विक नेताओं की ओर से बधाई मिलने का सिलसिला जो है वो कल शाम से ही शुरू हो गया। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है। 4 तारीख को जारी आंकड़े में एनडीए के गठबंधन की सरकार को बड़ा नेतृत्व मिला है, जहां एक तरफ विश्व भर से आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तमाम सीटों पर जीतने के बाद मनोज तिवारी और इसी के साथ बांसुरी स्वराज ने भी दिया है दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा मैसेज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जीत को लेकर इटली की जॉर्जिया मेलोनी से लेकर मोहम्मद मोइजू ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि देखिए, जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई देते हुए लिखा है कि पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ेंगे और विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसी के साथ हमेशा ही भारत के साथ बाल विवाद खड़ा करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर कहा है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिली। मैं हमारे दोनों देशों के लिए साझा समृद्ध और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और इसी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत की बधाई देता हूं और एनडीए की जीत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति, समृद्धि और भारतीय लोगों के विश्वास को पारदर्शित किया है। और इसी के साथ उन्होंने भारत का जो है वो पड़ोसी देश है श्रीलंका, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम आगे चलकर इसी तरीके से काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भूटान के पीएम शेरिंग टोबिंगे ने भी जो है वो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी जी को एनडीए को बधाई। जैसे जैसे वह भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहूंगा। देखिए, एक तरफ देश और विदेश से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल और इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर बधाई दी जा रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो देखिए, दिल्ली में फिर एक बार 7 सीटों पर कब्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर लिया गया, यानी कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खेमे में कल चली गई। और यहीं पर नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रही, जो कि अब सांसद बन चुकी हैं, जिनकी जीत हो चुकी है, जी हां, बांसुरी स्वराज ने भी कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता की तरफ से यह आभार जताया गया है, हम ये निश्चित करते हैं कि हम आने वाले समय में नई दिल्ली की जनता के लिए खूब सारा काम करेंगे। और ये मैसेज अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, जो ये कह रहे थे कि मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण नहीं है क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, ये इसलिए है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का चयन करा है और इस विश्वास को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। जो आपके सामने चुनौती थी, अरविंद केजरीवाल की चुनौती थी और विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था,
क्या कहना है, जो रोड मैप अरविंद केजरीवाल देते हैं और फेल हो जाते हैं, तीसरी बार 7-0 का स्कोर है। देखिए, मैं कहूंगी कि किसी प्रकार की चुनौती नहीं, ये मैं चुनाव प्रचार में भी कह रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2014 में भी प्रचार में थे, 2019 में भी प्रचार में थे, इस बार 2024 में भी प्रचार में थे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता का वोट उनके करी हुई एक एक चोट का जवाब है और दिल्ली का ये जो जनादेश आया है ये सिरमाथे। एक आखिरी सवाल है मैम, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी, लेकिन यहाँ तो मामला पलट गया, क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाने से वोट से कोई संबंध नहीं है। वे जेल इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने 9 समन्स का निरादर करा था। वे जेल इसलिए गए हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों रुपये का किकबैक लेने के लिए, और ये दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और इसीलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार का एक बनावटी सहानुभूति का एक मैं कहूँगी फसाद क्रिएट करने का प्रयास करा, दिल्ली की जनता पे वो छाया नहीं, और इसीलिए जो जनादेश है मुझे लगता है ये हमारे लिए भी आदेश है कि हम सेवा करें और उन पर भी आदेश है कि वे भी जरा दिल्ली की जनता का हित देखें और बनावटी सहानुभूति का खेल खत्म करें। जेल का जवाब जो है वो जनता वोट से देगी, क्योंकि ये जो जनता की तरफ से जो है वो आवाज ही दी गई है, जवाब ही दिया गया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके द्वारा दिल्ली की जनता को चोट दी गई, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो या फिर वो तमाम ऐसे घोटाले हों जिसके लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का मंत्रियों का नाम सामने आया। और इसी के साथ हॉट सीट के प्रत्याशी रहे, जी हां, मनोज तिवारी, यानी कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट रहे बीजेपी के, जो तीसरी बार फिर एक बार सांसद बन चुके हैं मनोज तिवारी, जिन्होंने कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जितना भी हृदय से धन्यवाद दें वो कम है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने मुझे अपना कर्जदार बनाया है और हमें अगले 5 साल में उनकी सारी समस्याओं को दूर करके उनको बेहतर जीवन, उनके बच्चों को बेहतर जीवन देना है। हमें इस बात का भी धन्यवाद दिल्ली को देना चाहते हैं कि जब मुझे तीसरी बार टिकट मिला, सिर्फ मुझे ही मिला, आप सवाल करते थे कई बार निशांत जी, तो हम यही कहते थे कि देखिए तीसरी बार जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें बड़ी जिम्मेदारी थी 7 सीटें जीत करके लाना। हम तो सबके लिए कार्य करते हैं लेकिन हम पूर्वांचल समाज से हैं और पूर्वांचल समाज किधर जाएगा ये दिल्ली में बहुत चर्चा का विषय था, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी पूर्वांचल के लोगों को उतारा, लेकिन पूर्वांचल की जनता को पता है कि हमें अपने मनोज भैया के साथ नरेंद्र मोदी जी के तरफ चलना है और आज 7 सीटें दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। मैं पूर्वांचल समाज का ये ऋण हमें उतारना है, पूरी दिल्ली को सजाकर, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार दिलाकर। तो लक्ष्य क्या है आगे दिल्ली में? हमारा लक्ष्य है कि पहले 5 महीने हम सबसे प्रार्थना करें कि जो 15 साल कांग्रेस ने लूटा दिल्ली को, 10 साल आम आदमी पार्टी ने, फिर मिल गए, इन सबको हटाइए, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दीजिए, ताकि हम इसी 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याएं, गंदे पानी की समस्या, पानी ना होने की समस्या, नालियों के जल जमाव की समस्या, बुजुर्गों का पेंशन खत्म होने की समस्या, राशन कार्ड ना बनने की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, बच्चों को 9वीं और 11वीं में फेल होने की समस्या, स्कूल ना होने की समस्या, कॉलेज ना होने की समस्या, इन सारी समस्याओं पे लगाएंगे विराम। बस 5 महीने बाद वाले चुनाव में दबा देना है दिल्ली को कमल निशान, डबल इंजन के साथ हम नई पूरी दिल्ली को सजा देना चाहते हैं, यही प्रार्थना करते हुए घर घर जाना चाहते। अब आप देखो, ये भी संयोग है कि जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था उसी समय मेरा 2 गाना वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। एक तो नेशनली नंबर 1 ट्रेंड हुआ बाघ का करेजा और एक पंचायत वेब सीरीज है उसका गाना वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड हो रहा है, और दोनों जब हम गुनगुनाते हैं तो मुझे सामने
लोगों को मोदी जी नजर आते हैं। जब हम कहेंगे जे का बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेज हो काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला ओका रोक के दिखाए ये अंगार डगरी, जे का बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेज मोदी जी दिखते। अगर हम पंचायत का गाना गुनगुनाएंगे कि ए ललना ए करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त बड़ी सूरत हो, ए ललना हमरा बुझाता बबुआ सीएम होई है ओकरो ऊपर पीएम होई है। अब ये मुझे क्या पता था ये शब्द इतने लोगों को खुशियां देने वाले हैं। कभी कभी प्रकृति भी कुछ करा लेती है। अनुराग सैकिया असम का लड़का जिसने ये हिंद के सितारा ए ललना हिंद के सितारा उत सीएम होई है ओकरो ऊपर पीएम होई है हो। और जो दूसरा गाना है वो जिन्होंने आदित्य देव ने उसको म्यूजिक किया है, इन सब लोगों को धन्यवाद, मनोज वाजपेयी को धन्यवाद, उनकी फिल्म भी बहुत हिट चल रही है। और पंचायत तो पूरे वर्ल्ड में पंचायत 3 ऐसा छाई है, तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट ने और भी सब कुछ अच्छा कर दिया है। देखिए मैं एक कलाकार हूँ और मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरी कला है। मुझे बहुत खुशी है कि आज बाघ का करेजा हिट होने के बाद मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक एक गाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। कन्हैया कुमार को जो है वो एक बड़ी शिकस्त दी है, और इस दौरान जब कन्हैया कुमार से भी इस जीत को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता का काफी ज्यादा जो है वो धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने तीसरी बार मुझ पर ये भरोसा दिखाया है। और इस बार जो हम काम करने जा रहे हैं इस पर हम पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, यमुना की समस्या और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हम दिल्ली से इन समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, तो मैं दिल्ली की जनता से और कहना चाहता हूं कि जब कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो उस समय पर भी आप इसी तरीके से बीजेपी का बटन दबाएं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो तो हम दिल्ली के लिए और भी ज्यादा काम कर पाएं। और ये तमाम बातें कही गई हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के द्वारा, और जनता का आभार भी किया गया है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।